guys, welcome back to my channel. I am Navya and for today's video we are going to make white pasta. So let's get started. So guys, अब मैंने यहाँ पे पानी बॉईल कर लिया है एंड अब हम इसमें पास्ता डालेंगे. सो मैं यहाँ पे 3 pounds पास्ता डाल रही हूँ इसमें. आप कितने लोगों के हिसाब से बना रहे हैं उस क्वांटिटी से डाल सकते हैं. एंड पास्ता डालने के बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे एंड ऑयल डालेंगे. सो गाइस, मैंने इसमें 1 tablespoon ऑयल डाल दिया है एंड अब हम इसमें 3 tablespoon सॉल्ट डाल देंगे. एंड अगर आप अभी सॉल्ट डाल रहे हैं तो आपको बाद में बहुत ही कम सॉल्ट डालने की जरूरत है. सो गाइस, अब हम मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है एंड अब हम इसमें डालेंगे बटर. सो मैं यहाँ पे 3 tablespoon बटर डाल रही हूँ एंड इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे एंड आफ्टर दैट हम इसमें डालेंगे मैदा. सो गाइस, हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है. सो अब हम इसमें 3 tablespoon मैदा डाल देंगे एंड आपको ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार घुमाते रहें एंड बिल्कुल भी ना छोड़ें वरना इसमें लम्ब्स आ जाएंगे. एंड बटर को इसमें अच्छे से मेल्ट करने के बाद हम इसमें 1 cup दूध डाल देंगे. सो गाइस, अब हमारा मैदा अच्छे से बटर में मिक्स हो चुका है एंड अब हम इसमें डालेंगे दूध. आप दूध के साथ मलाई भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा क्रीमी एंड थिक हो जाएगा. इसको हम लगातार मिक्स करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे. सो गाइस, मैंने इसमें टोटल 3 cups मिल्क डाल दिया है एंड मेरे पास यहाँ पे व्हाइट. सो गाइस, अब हम इसमें 1 tablespoon चीज सॉस डालेंगे. मेरे पास ऑलिव्स एंड हर्ब्स का चीज सॉस है. आप इसमें चीज भी डाल सकते हैं, मैं इसमें चीज भी डालूंगी ताकि हमारा पास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा चीजी एंड क्रीमी हो जाए. सो गाइस, अब हम इसमें चीज डालेंगे. मेरे पास यहाँ पे अभी स्लाइस चीज भी अवेलेबल था इसलिए मैं वो डाल रही हूँ, वरना आप इसमें प्रोसेस चीज, मोज़रेला चीज, कोई भी चीज डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो. सो गाइस, अब हम हमारे पास्ता में 2 tablespoon नमक डाल देंगे. हमने पहले भी नमक डाला है इसलिए हम अभी कम ही डालेंगे एंड देन हम इसमें डाल देंगे 3 tablespoon रेड चिली पाउडर. थोड़ा सा पिज्जा हर्ब्स, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड देन थोड़ा सा ओरिगेनो एंड देन हम इन सबको मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. एंड गाइस, इसके साथ साथ हम इसमें पास्ता मसाला भी डाल देंगे 1 packet एंड देन हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे. सो गाइस, अब हमारा जो क्रीम है वो बन चुका है एंड अब हम इसमें डालेंगे हमारा पास्ता जो कि मैंने बॉईल करके स्ट्रेन कर लिया है. सो गाइस, मैंने पास्ता डाल दिया है एंड अब हम इसको हमारे सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हम देख सकते हैं कि हमारा पास्ता कितना क्रीमी है एंड थिक लग रहा है. सो गाइस, अब हमने जिस पानी में हमारे पास्ता बॉईल करे थे उसी पानी को मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है अलग से एंड अब हम इसमें वो डाल देंगे. सो हम ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. सो गाइस, हमारा जो पास्ता वो रेडी हो चुका है. आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन टू नेवर मिस माय वीडियो एंड डू कमेंट दैट व्हाट डू यू वांट मी टू बेक इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.